मथुरा में अखिल भारतीय लोधी महासभा के सानिध्य में पहली बार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जो कि रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी युवा समिति के द्वारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि विपिन कुमार लोधी रहे, जिन्होंने यहाँ पर सभी सामूहिक विवाह में शादी करने वाले नव युवक युवतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं समाज के लोगों द्वारा अतिथियों का बड़े ही जोरदारी से स्वागत और सम्मान किया गया। इस दौरान सभी युवक युवतियों को जहां घर गृहस्थी के सामान को उपहार के तौर पर दिया गया, वहीं समाज के लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने कहा कि इस तरह के सामूहिक विवाह समारोह आज के समय में समाज के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से समाज में कुरीतियाँ फैली होती हैं, इस तरह के शादी समारोह से उन गरीब और युवक युवतियों को शादी करने में सफलता मिलती है जो कि काफ़ी परेशान रहते हैं, और ऐसे कार्यक्रम समाज में होने चाहिए ताकि लोगों को भी इससे मार्गदर्शन मिले। और यहाँ पे गरीब लड़कियों की शादी हो रही है, इसमें हमारे और हमारे घर वाले और बाकी के समाज के लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, और समाज पूरा सहयोग कर रहा है इस टाइम, मतलब अच्छी सोसाइटी इसलिए वो सहयोग कर रहा है जी। पूरे पैसों से भी है, कुछ लोग अपने मतलब जो उनके काम की चीजें वो भी दे रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं वो लोग। जैसे कि दान दहेज में क्या क्या सामान दे रहे हैं? दान दहेज में बेड है, फ्रीज है, कूलर है, और सिलाई मशीन, प्रेस, पंखा, जितनी भी गृहस्थी की चीजें होती हैं यूजफुल, वो सारी चीजें दी जा रही हैं। जैसे संस्था की तरफ से दी जा रही है। यस।